हेलो एवरीवन, टेक्नो वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और आज हम बात करने वाले एक नए फोन के बारे में, एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। यह 10 से 15 दिन के अंदर नहीं, कम से कम 20 दिन लेगा। ये 20 दिन के अंदर ये मार्केट में आ जाएगा। एक नया फोन है वीवो की तरफ से, वीवो T1X 4G। वैसे एक डिस्क्लेमर आप लोगों को पहले से दे दे कि वीवो की तरफ से जो इससे पहले एक फोन आया था वीवो T1, ये फोन उससे अच्छा नहीं है, उससे कमी है। इसका स्पेक्स इस वाला फोन का जो अभी आने वाला है वो कम है इन कंपेयर टू वीवो T1 जो ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सा बिल्ड क्वालिटी मिलने वाला है और इसका डिस्प्ले कैसा है। तो बिल्ड में इसके अंदर आपको ग्लास फ्रंट मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो बैक है वो प्लास्टिक का है और अंदर का जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। और वहीं अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे कुछ खास आपको मिल नहीं रहा है, सिर्फ फ्रंट में ग्लास मिल जा रहा है, बाकी सब मिड रेंज के जैसा नॉर्मल प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बैग सब दे रहा है। गोरिल्ला ग्लास 5 का या 4 का या 3 का किसका प्रोटेक्शन है ये भी अभी तक कंफर्म नहीं बताया। और वहीं रहा डिस्प्ले की बात, तो वो ओवरऑल थोड़ा अच्छा ही बना है आपका। ओवरऑल बिग स्क्रीन भी दे रहा है आपको, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे रहा है। हाँ, लेकिन IPS LCD डिस्प्ले की जगह AMOLED भी दे सकता था प्राइस के हिसाब से, तो वो एक थोड़ा सा डाउनसाइज वहाँ मिल गया आपको। और अब इससे आगे बढ़ के कैमरा के ऊपर आते हैं जो कि हर एक फोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी के टाइम में आदमी लोग के लिए। तो इसका बैक में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल +2 +2 मेगापिक्सल का 3 कैमरा बैक में, और फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा। तो ओवरऑल जैसे कि दिख रहा है आपको कि फ्रंट में तो कुछ ज्यादा खास आपको कैमरा मिलने वाला नहीं है, डिसेंट है, नॉर्मल फोटो वोटो ले सकते हैं आप सेल्फी का। ऐसे सेल्फी किंग जैसा कैमरा नहीं है इसका फ्रंट का, जो कि प्राइस के हिसाब से देख ही सकते हैं। लेकिन बैक में आपको एक तो प्राइम कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है जिसके अंदर आप एक अच्छा फोटो ले सकते हैं, लेकिन क्या वो 50 मेगापिक्सल वर्थ इट है कि नहीं, वो अच्छा लेंस, उसका लेंस कितना अच्छा है, वो कैमरा अच्छा लेता है कि नहीं, वीडियो अच्छा लेता है कि नहीं, वो तो आप जब इन हैंड लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। लेकिन रहा बात इसका वीडियोग्राफी के बारे में कि आप इसके अंदर वीडियो कितना अच्छा ले सकते हैं, तो आप बैक से लीजिए उसको या फ्रंट से लीजिए, दोनों ही से आप 1080p अप टू 30 FPS तक का शूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इस फोन का कोर पॉइंट के बारे में जो कि इसका प्रोसेसर है जो कि इस फोन का स्पीड बढ़ाने वाला है। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 मिलने वाला है जो कि एक 4G प्रोसेसर है बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर चिपसेट। और रहा बात कि ये प्रोसेसर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो ओवरऑल आप इसके अंदर डिसेंट लेवल ऑफ गेमिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इंस्टा का रील्स वील्स का वो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं, कुछ खास एकदम गेमिंग वेमिंग पे नहीं जाते एकदम हाई एंड वाला, तो आप नॉर्मली इसको लंबा टाइम तक का चला सकते हैं, प्रोसेसर आपको कहीं से भी नाराज नहीं करने वाला। और रहा बात इस फोन का बैटरी के बारे में, तो आपको ये पता है कि जितना अच्छा बैटरी मिलेगा फोन में, जितना ज़्यादा mAh मिलने वाला है उतना ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग लास्टिंग वो चलेगा आपका। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 7 या 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, तो कहीं भी अगर आपका बैटरी लो हो गया तो आप 18 वाट से उसको जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और रहा बात इस फोन के अंदर का सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसके अंदर आपको फन टच OS 12 मिलने वाला है बेस्ड ऑन Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर आपको ये फोन अच्छा लग रहा है, आपको लेने का मन है, तो ये जान लीजिए कि ये 2 RAM वेरियंट में आने वाला है, एक 4GB का और एक 8GB का। 4GB में 64GB का स्टोरेज मिलेगा और 8GB के अंदर 128GB। तो अपना रैम और स्टोरेज के हिसाब से दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो जाके ले सकते हैं। तो एट द एंड अब बात करते हैं इस फोन का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको UFS 2.1 मिलने वाला है, 3.5mm जैक भी आएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि ये फोन इंडिया में कब आ रहा है, ताकि अगर आपको ये फोन अच्छा लगा हो तो आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं। ये स्पेक्स अच्छा लगा हो, ये स्पेक्स वाला फोन चाहिए आपको कम रेंज में, तो आप उसको जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो 15 से 20 जुलाई के अंदर ये फोन इंडिया में आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ही आ जाता है लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसके वजह से 15 से 20 जुलाई के अंदर अब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए फोन के बारे में बात हो गया, स्पेक्स का बात हो गया, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या अच्छा है क्या नहीं है अच्छा, सब बात हो गया। लेकिन भाई फोन का प्राइस का तो बात ही नहीं हुआ, फ्री में तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो भाई इसका कोई प्राइस है जो कि इंडिया में लॉन्च होने पर आपको देना पड़ेगा अगर आप ये फोन लीजिएगा तब? तो 12 से 13 हज़ार रुपये इसका प्राइस पड़ेगा इंडिया में। बेस वेरिएंट उससे ऊपर आप जाइएगा 8GB 128, तो आपको थोड़ा 15 हज़ार तक जा सकता है, लेकिन बेस वेरिएंट आपका 12 से 13 हज़ार के अंदर इसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए ओवरऑल यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्पेसिफिकेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, बजट में आ रहा है, तो जाके ले लीजिए। और अगर आपको और अच्छा स्पेसिफिकेशन चाहिए इसी बजट में, इससे अच्छा बजट में, तो आप उसका इंतजार करिए, वीडियो जल्द आ जाएगा। अंडर 10,000 20,000 30,000 सब वीडियो आने वाला है, तब आपको शायद समझ में आ जाए कि कौन सा सबसे अच्छा फोन है आपका बजट के अंदर, और तब जाके आप फोन ले लें।
तो चलिए टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको ऑल कर दीजिए ताकि नया कोई भी वीडियो आए तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए। कमेंट करिए कोई भी क्वेरीज हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, ताकि हम लोग को उसके बारे में पता चले और उसके ऊपर वीडियो भी बनाए और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।